गोभी को गर्म पानी में हम धो लिए हैं अच्छी तरह, और ये बॉयल करके ऐसे मोटे मोटे पीस काट लिए हैं आलू को, ये देखिए। और ये कद्दू है, ये कुट्टू का आटा है जिसको ब्रत के आटा भी बोला जाता है, कहीं कहीं सिंघाड़े के आटा भी बोलते हैं इसको। 100 ग्राम के करीब हम ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये जीरा साबुत जो जब मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये सेंधा नमक, व्रत के लिए हम बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही यूज करेंगे, ये काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है, ये अदरक जिसको हम कूट लिए हैं थोड़ा सा, और ये हरी मिर्च, इसके जगह पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे इसको, ताकि इसमें गांठें नहीं आए। जब तक हम इसको मिला रहे हैं, घोल को तैयार कर रहे हैं, तब तक हम तेल गरम करने भी डाल दिए हैं कढ़ाई में, इससे मेरा समय भी बच जाएगा। अब देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें एक एक करके ये सब्जियां ऐसे डाल डाल के इस पर कोटिंग चढ़ा के ऐसे फ्लेम को कम कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए दोनों साइड से हो चुके हैं, अब इसको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, इसमें डालेंगे हम कद्दू वाला पीस। ये भी देखिए कद्दू भी हमारा हो गया है दोनों तरफ से, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से हम गोभी को भी डाल देंगे, देखिए गोभी भी दोनों तरफ से पक गए हैं अच्छी तरह, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसी के साथ ही बना देते हैं ये चटपटा सा धनिया का चटनी, फ्रेश धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और ये सेंधा नमक। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब देखिए चटनी पीस के तैयार है, अब इसको बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू, जितना आपको खट्टा पसंद हो। और इसको मिला लेते हैं। अब ये पकौड़ी के साथ खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। ये देखिए व्रत के पकौड़े पूरी तरह खाने के लिए तैयार है हरी चटनी के साथ। अब अपने घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसा बना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।